रात्रि क्लास चल रहा था 11 दिसंबर 1967। पहले पेज में मध्यान्ह के बाद बात चल रही थी, ये नदियां सागर से निकली हुई हैं। पतित पावन तो एक ही है ऐसे तो नहीं, गंगाएं या नदियां पतित पावनी है। ज्ञान सागर से ये ह्यूमन गंगाएं निकली हुई। बाबा समझाते हैं त्रिमूर्ति और गोला, गोला में बड़ा अच्छा ज्ञान है। संगम युग पड़खा रहने से और समझाने से ये खुशी होती है। सुनने वाले भी खुश होते हैं। के ये षष्ठी चक्र के जानकार हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं, परंतु अगर पहले में इनको मालूम हो जाए कि इनको ज्ञान खुद परमात्मा अभी सिखलाए रहे हैं, ये बात मुख्य है। जब ये निश्चय होवे, और निश्चय होने का तो पक्का है, आगे पीछे सभी को तो निश्चय होना ही है, और है तो सा बहुत सहज बात। फिर भी देखो एक साथ तो सबको निश्चय नहीं होता। अभी तुम बच्चों को जब ये ज्ञान मिला हुआ है, एक बाप का ज्ञान, तो तुम समझते हो पता नहीं क्यों ये तो पाई पैसे की बात है। जो अभी तुम समझते हो, अरे ये समझने में क्या है, जबकि इनको समझाया जाता है कि ये बेहद का बाप है और ये बेहद के बाप भारत में ही आते हैं और ये भारत देश भी बेहद का है, बाप भी बेहद का, भारत भी बेहद का, तभी तो अर्जुन को भारत कहते हैं ना। बाप माने अखूट ज्ञान का भंडार, और बाप आते हैं तो कहते हैं मैं आप समान बनाता हूं, तो अर्जुन को आप समान भारत ज्ञान में ही लगा रहने वाला बनाता हूं ना। भा माने ज्ञान की रोशनी, तो बेहद के बाप दोनों हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप, एक आत्माओं का बाप। तो आत्माओं का बाप बेहद मनुष्य सृष्टि के बाप में ही आते हैं, और और जरूर बेहद का बाप आते हैं, आए हैं जरूर दुनिया को बदलने के लिए, नहीं तो यहां आकर के क्या करेंगे। कुछ तो आए करके पार्ट बजाएंगे ना, बेहद का बाप है तो बेहद का ही काम करेंगे ना। और हद के धर्म पिताएं हैं,
वो तो ये काम नहीं कर सकते कि पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाए। हाँ, नया धर्म स्थापन कर देते हैं, परंतु उससे कोई नई दुनिया थोड़ी ही बनती है। तो ये तो वेद का बाप जितना ऊंचे से ऊंचा है, इतना ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाते हैं। दो बाप बेहद के कंबाइंड है ना, दोनों ही ऊंचे से ऊंचे हैं। वो मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे और वो आत्माओं में सबसे ऊंचे से ऊंचे। और उन दोनों का पार्टी है स्वर्ग की स्थापना करने का है। एक है करण गवा करणहार, दूसरी आत्मा है करावनहार। करणहार क्या करणहार है, क्या करणहार? आप सामान बनाते हैं ना? हाँ, आप क्या हैं? आप अखूट ज्ञान का भंडार हैं। तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसको भी अखूट ज्ञान का भंडारी बनाते हैं। तो अखूट ज्ञान के भंडारी ज्ञान ही सुनावेंगे ना, तो ये तो समझा सकते हैं कि बाबा का बर्थ प्लेस यहां ही है। कहां? भारत में, और कोई देश में नहीं है। क्यों? नाम ही है भारत। माना ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला जो देश है उसका नाम दिया भारत। जैसे अर्जुन का नाम भारत है। तो ये वेद के बाप आत्माओं के बाप का बर्थ प्लेस है। तो आकर के स्वर्ग स्थापन किया यहां, और कोई देशों में थोड़े ही आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं है? तो सो था इनका क्या स्वर्ग का आधिपत्य किसका था है? अरे कोई तो मुखिया होता है ना, नारायण या कहें विष्णु। तो अभी 84 जन्म के बाद अभी वो नहीं है। कौन? वो विष्णु नहीं है। कौन से विष्णु? जो स्त्री पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक थे। अभी है? अभी नहीं है। अभी वो विष्णु लोग फिर स्थापन हो रहा है, वो नई दुनिया। और जो जो पतित बन गए हैं तमो प्रधान, उनके लिए तो सहज बात है ये। बिल्कुल ये समझना कि आत्मा अभी तमो प्रधान बनी हुई है, तो ये बात भी समझाना पड़ता है, अच्छी तरह से समझाना पड़ता है कि क्या अभी तुम पारस बुद्धि अंतिम जन्म में नहीं हो, क्या हो? पत्थर बुद्धि हो। और आत्मा को ही सत्व प्रधान पारस बुद्धि बनना है, अभी तो सत्व प्रधान नहीं है ना।
क्योंकि सतयुग में सतो प्रधान होते हैं और कलयुग में तमो प्रधान होते हैं। तो अभी सतयुग तो नहीं, अभी तमो प्रधान है युग। तो कहते हैं पापी कलयुग है। अभी इस कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच में जो पुरुषोत्तम संगम है, इसमें अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान के लिए तो सहज रास्ता बताते हैं ना। क्या सहज रास्ता है? ये सहज रास्ता है क्या? मन मन मना भव, मेरे मन में समा जाए। मन माने, मन माने दिल। कौन कहता है मेरे मन में समा जाए? उस आत्मा का नाम है कुछ? एक ही आत्मा का नाम हो तो है तेरा भला हो, राम हो। एक ही आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम होता है शिव। हाँ, बाकी जितने भी नाम हैं दुनिया में वो सब शरीरों के आधार पर हैं, शरीरों पर हैं या आत्मा के ऊपर नाम? शरीरों के ऊपर नाम। तो ये कौन कहते हैं मन मना भव है? हाँ, ये कहते हैं शिव, क्योंकि अर्थ भी बता दिया। शिव को मन नहीं है, लेकिन उनका मन किसी के ऊपर है या कि नहीं? दिल है किसी के ऊपर? किसी के ऊपर नहीं। हाँ, एक दो चार पांच आठ के ऊपर है या एक के ऊपर है? एक के ऊपर है। वो तो ऐसे ही गीत गाते रहते हैं, क्या आज मेरा दिल आ गया, फिर क्या हुआ? कहते नैनों से नैन हुए चार। अरे ये चार कैसे हो गए? अरे मैं जिस मुकर रथ में प्रवेश करता हूं उसको तो दो नयन है ही, लेकिन वो प्रैक्टिकल में मेल फीमेल है क्या? है प्रैक्टिकल में मेल है या फीमेल है? है मेल है, तो ओ, फीमेल भी तो चाहिए नहीं चाहिए? तो वो कौन जो प्रैक्टिकल विष्णु रूप में प्रत्यक्ष कर दे, प्रैक्टिकली विष्णु बन जाए? हाँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी कि आदि लक्ष्मी? एक्यूरेट बोलना चाहिए है। हाँ, लक्ष्मी तो बहुतों के नाम है। अरे सतयुग में इतनी पीढ़ियां होंगी है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी नारायण होंगे कि नहीं? टाइटलधारी वो लक्ष्मी नहीं होंगी? होंगी। तो क्या कहना चाहिए? आदि लक्ष्मी। तो आदि लक्ष्मी आदि नारायण, ये दोनों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन ये कहा जाता है, स्त्री पुरुष के स्वभाव संस्कार का मिलन है, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल रूप मन मना भव। दिल एक दूसरे का दिल से मिल गया। तो अक्षर वो देने चाहिए है, दे सकते हैं अपन क्या? भले हम कहते हैं कि ये अभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, गिरने के शास्त्र हैं है? ब्रह्मा का तीन बार ये क्यों कहा? अरे ब्रह्मा का शास्त्र, फिर विष्णु का शास्त्र है कि नहीं? कोई वैष्णव संप्रदाय के शास्त्र नहीं है? हाँ, और ब्रह्मा के, ब्रह्म वैवर्त पुराण वगैरह है कि नहीं? और शंकर के, शिव कुमार वगैरह है? है शिव है, शिव पुराण नहीं है? है। तो ये सब शास्त्र हैं गिरने के। क्यों? किसके बनाए हुए हैं? गिरने वालों के द्वारा बनाए हुए हैं या ऊपर उठे बनाने वाले
विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि जिन्होंने भी बनाए हैं वो नीचे गिरे ना, पतित बने ना, कलयुग में आ क्या जन्म लेने लगे ना, पापी बन गए। तो गिरने के शास्त्र हैं, उनकी बनाई हुई चीज भी गिरते गिरने के शास्त्र गिराने वाले हैं। परंतु ये तो हम कह सकते हैं, क्या और कोई नहीं कह सकता विद्वान पंडित आचार्य के गीता में जो संस्कृत की गीता बनाई हुई है उसमें आटे में लून मिसल सच्चाई है और बाकी तो सब थोड़ा सा झूठ मिक्स हो गया तो सब बर्बाद हो गया, सारा विश्व हो गया। जैसे क्या उसमें सृष्टि की आयु कितनी बता दी, लंबी चौड़ी आयु कर दी, तो मिक्स हो गया ना। हाँ, तो वो उसमें से सच्चाई निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आटे में नमक मिल जाए तो नमक को निकाला जा सकता है, हा? पानी में नमक घोला और आटे में मिलाई दिया, कोई निकाल पाएगा? कोई मनुष्य मात्र में ताकत नहीं जो उसमें से है आटे में से लून को निकाल पाए, तो कौन बाप है, है? तो बताते हैं ऐसे नहीं है कि शास्त्र शास्त्र नहीं है, शास्त्र भी हैं, लेकिन सभी शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, बुद्धि को भगाते रहते हैं। कोई की मन बुद्धि स्थिर हो पाती है, एकाग्र हो पाती है? एकाग्र नहीं हो पाती। तो उस बात पर फिर खड़ा होना पड़ता है और उनकी है शास्त्रकारों की देखने में भी आती है और बच्चों की भी बुद्धि देखने में आती है जिनको समझाया जाता है। तो कुछ इनमें आते हैं कुछ, तो जब कुछ बुद्धि में बात आती है एक बाप की बताई हुई तो फिर रोमांच खड़े हो जाते हैं या तो इंटरेस्ट से सुनने लग पड़ते हैं। तो वो सुनाया था ये लखनऊ वाली चिट्ठी, तो किसी ने कहा नहीं, अरे ये जो गवर्नर से मिले हैं 10 मिनट तो 2-3 दफा मिले हैं, 2-3 दफा इनको समझाया है, परंतु समझते ऐसे हैं, प्रश्न ऐसे बैठ करके करते हैं जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई तरफ में किसका ख्याल हो और कोई से बात करते रहो तो वो क्या समझेगा, हा? उनका ख्याल तो दूसरी तरफ लटका हुआ, अब बात दूसरे से कर रहे हैं तो उनको कुछ समझाओ तो कुछ है बैठेगा बुद्धि में, कुछ है नहीं बैठेगा। तो ये अक्सर करके ये गवर्नर वगैरह बड़े आदमी होते हैं ना, जो भी इनके पास आते हैं तो सुनते हो बैठ करके, क्योंकि ध्यान पर तो दूसरे की मुलाकात करनी है कि भाई कोई और आने वाला है या कोई फलाना है, और वो बैठ करके वो भी सुनते हैं तो क्या सुनेंगे। जैसे तवाई वहां के प्रश्न पूछेंगे और अपने टाइम पूरा करेंगे तो वो उठ के खड़ा हो गया। जैसे कि ये थे ही नहीं, अरे सुनते ही नहीं थे,
ऐसे वो खुद भी लिखती है कि ऐसे सुनते हैं जैसे कि वहां बाहर में बुद्धि का लगाव लगा हुआ तो है। तो सही ना, बरोबर बुद्धि का योग कोई और तरफ लगा हुआ है, या यहां बैठ करके बैठते हैं सुनते हैं और बात भी करते हैं, प्रश्न भी पूछ लेते हैं, परंतु फिर बुद्धि कोई और जगह में रची पड़ी है क्योंकि आने वाले हैं, सोचते हैं कोई को मुलाकात देनी है, तो बुद्धि उन्हीं को प्रेफरेंस देती है, तो वो याद पड़ेंगे ना। तो हमारे पास भी तो आने वाला है ना सतयुग, क्या कहा है बाबा ने, कहा हमारे पास भी सतयुग आने वाला है, और हमारी बुद्धि कहां है, हमारी बुद्धि भी सतयुग की नई दुनिया में है। तो हम लोग भी सतयुग में ही अपना ध्यान रखेंगे, रखना चाहिए, कैसे जाएंगे। और दूसरा, भले बात करते रहे लेकिन हमारी बुद्धि नई दुनिया में लगी रहे, नई दुनिया बनाने वाले बाप में लगी रहे है, और बाप को सिखाने वाले बाप में लगी रहे है ना। सिखाने वाला बाप अलग और बनाने वाला बाप अलग, तो ये भी तो होता है ना बच्ची। हाँ, होता है या नहीं है? होता है। तो तुम बच्चों को भी ऐसे ही, और उनको कोई से मुलाकात करनी है तो तुम जानते हो हम इनको बताए रहे हैं रास्ता, जाना तो है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो जैसे कि स्वर्ग में बैठे हो है? कौन बैठे हो, देह से बैठे हो कि आत्मा से, मन बुद्धि से बैठे हो, और उनकी समझा नहीं देते हो है? किनकी, स्वर्ग की समझानी देते हो ना, क्योंकि ये समझानी तो नई दुनिया की नया ज्ञान सुनाने वाले बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकते। वो पुराना ज्ञान सुनाने वाले तो पुरानी दुनिया का ज्ञान सुनाते हैं और पुरानी दुनिया में ही रहते हैं, तो वो क्या नई दुनिया का इतिहास, नई दुनिया की हिस्ट्री लिख सकेंगे, लिख सकेंगे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये है तो बरोबर घोर अंधियारा, और दूसरी तरफ है ये घोर सोझरा। क्यों घोर सोझरा, क्योंकि यहां तो समझाने वाला ही चैतन्य ज्ञान सूर्य है ना, तो सूर्य जहां होगा वहां क्या होगा, अंधेरा, क्यों सोझरा, सोझरा होगा। तो सतयुग को तो घोर सोझरा कहते भी है ना। तो ये जो बातें हैं दिन और रात और वगैरह वगैरह, कि ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, वो बहुत मनुष्य अभी पढ़े हुए नहीं है तो वो समझते नहीं है। जो पढ़े हुए हैं, ये ब्रह्मा की रात शास्त्रों में लिखी है, शास्त्रों में पढ़ा है ना, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, तो अभी शास्त्रों में भी कोई इतने नहीं ध्यान देते हैं। अभी पॉलिटिकल बातों में बहुत बुद्धि जाती है, घुस गए हैं बिल्कुल, और टू मच घुस गए है, घुस गए ही नहीं। टीवी देखो, अखबार देखो, कहीं भी देखो, इंटरनेट देखो, दुनिया भी बातें है, कि सतयुग की नई दुनिया की बातें, स्वर्ग की बातें, कहां की बातें बताएंगे, हाँ नरक की दुनिया की। तो बाकी भी दूर हो गए हैं नई दुनिया से, इसलिए जो दूर हो गए हैं सो भी ड्रामा के अनुसार हो गए हैं। अपन तो
है। फिर भी कोई क्षेम दुख तो नहीं होगा ना बच्चों को, नहीं भले वो पुरानी दुनिया में हिर गए हैं। बच्चे अगर ड्रामा के ऊपर, ड्रामा के राज के ऊपर पूरे खड़े रहे तो अपनी सर्विस करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। और ये बुद्धि में है कि कोटों में को और कोई में भी को है, फलाना फलाना निकलेंगे। ये तो बाप खुद ही कह करके गया हुआ है, तो ऐसे ही होगा। इसलिए कोई दिल से कष्ट भी नहीं होना चाहिए क्या, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम कितना मेहनत करते हैं। अरे हमारा समझाते समझाते गला ही घुट जाता है, सूख जाता है। अरे कल पहले भी ऐसे मेहनत की है और करेंगे भी जरूर। बच्चों को बहुत संभाल करनी होती है। अगर कोई समझते हैं कि हम तो अपना बहुत ऊंचा ऊंचा पद पावे, तो हर बात का ख्याल बहुत रखना होता है। और बाबा कई कई बातों में इशारे में समझाते हैं। म्यूजिक बजा, पद्मा पद्म भाग्यशाली। अभी हम सौभाग्यशाली नहीं कहते हैं, ये तो बहुत थोड़ा हो गया। कहां सौ और कहां पदम, सुना है पदम? हाँ, पदम दस पदम, शंख दस पंख है, एक से वो एक ऊंची संख्या है। तो छोटे मोटे भाग्यशाली नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली। रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट, ओम शांति।